डिब्बा में बाजा, ले ले रे छोड़ा साइंस के माजा, ले ले रे छोड़ा साइंस के माजा। बोतल में तेल, साइंस पढ़ ले रे छोड़ा, तो बिहार बोर्ड कर दे तो फेल। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एमएस कोचिंग क्लासेस पर। आज लेकर आए दोस्तों क्लास टेंथ का साइंस में VVVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं साइंस में। और पहला क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों भर्जन और निस्तापन में अंतर। भर्जन और निस्तापन में अंतर क्या होता है, इसको जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए लिखा हुआ दोस्तों कि इसमें यानी भर्जन में जो अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो पहले देखें दोस्तों कि अयस्क क्या होता है। तो ऐसी खनिज जिनसे धातु आसानी से एवं कम खर्चे में प्राप्त की जाती है, यानी कि वह खनिज जिसमें धातुएं आसानी से एवं कम खर्च में प्राप्त की जाती है, यानी खनिज से धातु प्राप्त करते दोस्तों आसानी से और कम खर्च में, उसे खनिज कहते हैं। इसमें अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, यानी कि प्रेजेंटिंग होता है दोस्तों, इसमें प्रेजेंटिंग नहीं होता, यानी कि वायु रहता है बहुत ही कम मात्रा में रहता है। इसमें अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है। इसमें जो अयस्क होते हैं दोस्तों वायु के सीमित मात्रा ही रहते हैं, इसमें हम जो है ज्यादा नहीं लिख सकते कर सकते हैं। ये निस्तापन होता है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि बताइए कि जो भर्जन है, भर्जन में अयस्कों के लिए वायु की प्रेजेंटिंग है कि नहीं है, यानी कि उपस्थिति होगी कि नहीं होगी। तो क्या होगा दोस्तों, इसमें वायु की उपस्थिति है तो इसमें अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और इसमें अयस्कों को वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है। इसलिए दोस्तों आप कर दिया थी समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसको रटिएगा नहीं, इसको एक बार देख लीजिए, एकदम बहुत ही आसान तरीका से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा नंबर इसका जो है कि यह सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग होता है, जगह में सल्फर रहता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होता है। यह जो है किसके लिए प्रयोग हुआ ये विधि दोस्तों, भर्जन तो सल्फाइड अयस्क के लिए। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है दोस्तों कि बताइए भर्जन जो विधि है कौन सा वस्त्र के लिए उपयोग होता है, कौन सा अयस्क के लिए उपयोग होता है, तो सल्फाइड अयस्कों के लिए उपयोग होता है भर्जन। इसको ध्यान दीजिए, देखिएगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग होता है भर्जन। फिर दोस्तों अगला देखते हैं कि निस्तापन किसके लिए प्रयोग होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यह ऑक्साइड अयस्कों के लिए उपयोग होता है, इसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। फिर दोस्तों अगला है कि इसमें अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जो इसमें अयस्क आएंगे वो क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में प्रेजेंटिंग में है। देखिए सल्फाइड अयस्क है, जिंक ब्लेंड से यहाँ पर ZnS, जिंक ब्लेंड से ZnS प्लस O2 लगाया हुआ है, जिंक सल्फाइड ZnO प्लस SO2 बाहर आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड। तो भर्जन में दोस्तों इसमें जो अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं और इसमें जो अयस्क जो है दोस्तों ये क्या होते हैं, निर्जलीकृत हो जाते हैं, इसमें जो अयस्क क्या होते हैं, निर्जलीकृत हो जाते हैं। तीसरा दोस्तों क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी किसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ एरो होगा, CaCO3 टूटेगा दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया यानी काली चूना बन गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसे दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये दोस्तों क्या चीज था, साइंस का पहला क्वेश्चन कराए थे भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है। और अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे लिखा है क्वेश्चन कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी आता है सब्जेक्टिव में भी आता है। तो बताएंगे दोस्तों ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार से पूछता है, सब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा,
तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं ऐसे पूछ सकता है, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है ऐसे पूछ सकता है। ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा, तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसे अल्केन ही कहते हैं, ये जो है दोस्तों अल्केन के समूह है, अल्केन। असंतृप्त में दोस्तों होता है इसे अल्किन भी कहा जाता है और अल्काइन भी कहते हैं, इसमें दोनों ग्रुप आते हैं, एल्किन भी आते हैं और अल्काइन भी आते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल अल्केन रहते हैं, तो लिख सकते ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, दे देगा सो दोनों इस सब ऑप्शन दे देगा दोस्तों, तो कहेगा कि बताइए कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण क्या चीज है। तो अल्केन में किसी दोस्तों क्या चीज है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण में आपसे लिख सकते हैं, और संतृप्त किसको कहते हैं तो अल्किन और अल्काइन। अल्केन जो होता है दोस्तों ये संतृप्त होता है, अल्किन और अल्काइन ये होता है दोस्तों असंतृप्त। यह कम क्रियाशील होता है, कम क्रियाशील करता है दोस्तों, कम होता है, ये क्या होता है ज्यादा क्रियाशील होता है, यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ज्यादा क्रियाशील होता है दोस्तों, ज्यादा कम समझ सकते हैं। तीसरा नाम इसमें है किसका समान सूत्र होता है दोस्तों, CnH2n+2। ये दोस्तों लेकर घबरा जाता है इसमें कि इसका फॉर्मूला कैसा होता है, तो ऐसे जा सकते हैं, देखिए अल्केन है तो केन लास्ट में आ रहा है, केन अल्केन रहेगा तो CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 ये समान सूत्र है इसके दोस्तों। हम मान लेते हैं कार्बन की संख्या एक रहेगा तो मेथ कहते हैं, कार्बन की संख्या दो रहेगा तो एथ हो गया, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑफ नॉन डेक। कम से कम दोस्तों कार्बन का संख्या 10 तक याद रहेगा, तब जो आराम से इसके सभी का फॉर्मूला ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेथ है, मेथ मेथिन मिथाइन, तो क्या होता है दोस्तों सभी का फॉर्मूला चेंज होता है, तो इसका समान सूत्र होता है CnH2n+2। इसको याद रखिएगा, ये अल्केन का सूत्र है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछ सकता है, चांस बनता है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए। इसका समान सूत्र दोस्तों CnH2n, ये दोस्तों इसको बोलते हैं एल्किन कहते हैं, एल्किन यहाँ लिख देते हैं एल्किन, इसको बोलते हैं दोस्तों एल्काइन, इकाइन होगा दोस्तों एल्किन एल्काइन। तो इसमें दोस्तों देखिए वो लिखा हुआ एल्किन एल्काइन, इसका समान सूत्र दोस्तों एल्किन का CnH2n और अल्काइन का CnH2n-, जेकरा में अल्केन आएगा उसमें 2+ होगा, जेकरा में अल्किन आएगा वो खाली उसमें कुछ भी नहीं रहेगा CnH2n हो जाएगा, CnH2n हो जाएगा, और जेकरा में अल्काइन रहेगा तो CnH2n-2, CnH2n-2, CnH2n-2 आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव बता रहे हैं, इससे जो है दोस्तों कि आपसे सब बच्चे जो है रटने लगते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा नहीं आएगा, तो ऑब्जेक्टिव दोस्तों अगर सब्जेक्टिव आपको सही से आप पढ़ लिए हैं, थ्योरी सबसे पढ़ लिए हैं, सभी चीज का नोट पढ़ लिए बढ़िया से, अगर समझ समझ के तो आपसे एक भी ऑब्जेक्ट छूटेगा नहीं। ये अगला क्वेश्चन है कहा दोस्तों, फिजिक्स का है कि टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो टिंडल प्रभाव देखिए दोस्तों कि जब कोलाइड के कण, कोलाइडी कण क्या होता है तो सबको कंफ्यूजन हो गया, तो कोलाइडी से देखते हैं दोस्तों, जैसे माने टूथपेस्ट कह सकते हैं, टूथपेस्ट जो मुंह होते हैं कोलगेट वाला, फिर कह सकते हैं कुहा, देखे कब कुहा पूरा गिर जाता है ठंड के मौसम, अभी ये एकदम जाड़ा करा जाए आ जाएगा, लगे लगे एकदम जड़ा हो पूरा एकदम कुहा रहेगा दोस्तों, तो कुहा रहते क्या देखते हैं जब गाड़ियाँ उससे टक्कर कर जाती है, जब गाड़ियाँ देखिए मारता है फोकस, तो कुहा जितने रहते क्या तो चमकने लगता है, चमकता है, तो जो चमक रहा है कोलाइडी का कण कण हो गया दोस्तों। तो जब कोलाइडी के कण प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है, प्रकाश को बिखराव करता है, प्रकीर्णन बिखर जाना, प्रकाश के बिखराव करता है, तो उसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं, क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव। तो जब कोलाइडी कण प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं टिंडल प्रभाव कहते हैं। एक उदाहरण भी लिया दोस्तों, जब अंधेरे में खिड़की के प्रकाश की किरणें आती है, जब देखिएगा घर में कब अंधेरा रहेगा तो उसमें कहीं से खिड़की से प्रकाश आती है तो उसमें देखते हैं धूल कण बहुत सारा दिखते हैं, तो क्या हम चमकता है, हम चम चम करते रहता है, तो वही करते जब अंधेरे कमरे में
खिड़की से कोई प्रकाश की किरणें आती है तो जो उसका कण रहते हैं चम चम करने लगता है, क्या रहता है चम चम एकदम चमक लगा दोस्तों, समझ आया ना ये क्या होता है किरण। तो दोस्तों क्या था तीन वो सब्जेक्ट क्वेश्चन लगाए थे, और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसको आप स्क्रीन शॉट कर लीजिए उतार लीजिए। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन लगा है, कायिक जनन क्या है, कायिक जनन किसे कहते हैं, जनन किसे कहते हैं दोस्तों, तो जनन वह प्रक्रम है जिससे मनुष्य अपनी संतान उत्पत्ति करने के लिए अपनाते हैं। तो ये क्या चीज दोस्तों, कायिक जनन है कि पौधे के कायिक भागों से नए पौधों को बनने की क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। पौधे के कायिक भाग क्या होते हैं दोस्तों, जिससे कायिक भाग हो गया, जिससे बाहर का तना हो गया, जड़ हो गया, या बोल सकते हैं दोस्तों जो भी उसकी कंची निकल रहता है भागों में, या देखते हैं कहीं कहीं देखते हैं कि पेड़ पर जो है दूसरा पौधा निकल जाता है, तो कायिक भागों को काट कर कहीं पर हम क्या करते हैं रोप देते हैं, तो जन क्या होता है अपना वो जम जाता है। तो पौधे के कायिक भागों से नए पौधे के बनने की क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। कायिक जो भाग होता है समझ गया जड़ तना दोस्तों, तो पौधे के कायिक भागों से, पौधों के कायिक भागों से नए पौधे के बनने के क्रिया को कायिक जनन कहते हैं, बनने के क्रिया को कायिक जनन कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं दोस्तों। अगला का क्वेश्चन है कि रक्त क्या है, रक्त किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है दोस्तों। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, इसको ध्यान दीजिएगा कि रक्त क्या है, तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है जिसका रंग लाल होता है, किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है दोस्तों, तरल संयोजी ऊतक है जिसका जो लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण है, ऑब्जेक्टिव में बन सकता है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों, 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, इसकी प्रकृति क्षारीय होता है। ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव बहुत बने चांस है। तो रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, पहला ऑब्जेक्टिव बन सकता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन का होता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रक्त का पीएच मान क्या है, तो 7.4 है, ये भी बन सकता है। रक्त का प्रकृति कैसा है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, तो रक्त का वह प्रकृति क्षारीय है। फिर दोस्तों आगे है कि अनुवंशिकी जनक का कौन है, पिता कौन है अनुवंशिकी का, तो अनुवंशिकी का हम लोग पिता कहते दोस्तों मेंडल कहते हैं। मेंडल ने अनुवंशिकी का प्रयोग मटर के पौधा पर किए थे, तो मेंडल को अनुवंशिकी का जनक कहते हैं, अनुवंशिकी का जनक कहते हैं। तो दोस्तों आज का साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन था बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के लिए, अच्छा लगा दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।